नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 10 जनवरी। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। संघ लोक सेवा आयोग ने कई पदों के लिए मांगे ऑनलाइन आवेदन। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अहम सूचना। संघ लोक सेवा आयोग ने कई पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। कुल रिक्तियों की संख्या 46 है। लोक सेवा आयोग ने जिन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं उनमें असिस्टेंट डायरेक्टर शिपिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर विजिट कर 28 जनवरी से पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसकी पूरी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर साझा कर दी गई। मुंगेर के गोयनका शिवालय में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। तालाब के बीच बने गोयनका शिवालय श्रद्धालुओं के लिए ही मुंगेर आने वाले पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बिंदु है। तालाब के चारों ओर रंग बिरंगे फूल पौधे आदि मंदिर के सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। शिव मंदिर एक बड़ी पानी की टंकी के बीच में बनाया गया है जो बड़ी और सुंदर मछलियों से भरा है, इसलिए लोग इसे मछली तालाब के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर का निर्माण गोयनका परिवार द्वारा अपने ईष्ट एवं कुलदेवता के निजी मंदिर के स्वरूप में लगभग 1895 में करवाया गया। श्वेत संगमरमर से निर्मित एवं जल में अवस्थित शिवालय श्री वैद्यनाथेश्वर स्तंभ पर विराजित है। स्कूल में ड्रॉपआउट की समस्या का निदान करने की तैयारी में शिक्षा विभाग। बिहार के कई स्कूल में बढ़ रहे ड्रॉपआउट के आंकड़ों पर सरकार अब पूरी गंभीरता के साथ काम करने का मन बना चुकी है। इसके लिए विभाग ने चार बिंदुओं की पहचान कर ली है जहां से छात्र अक्सर स्कूल छोड़ने का काम करते हैं। प्रदेश में बड़े पैमाने पर ड्रॉपआउट के मामले बढ़ गए हैं जिसे चिंतित होकर अब विभाग ने ऐसे छात्रों को ट्रैक करने की तैयारी शुरू कर ली है, जिसके बाद अब शिक्षा विभाग ऐसे छात्रों के माता पिता को काउंसलिंग के बाद ड्रॉपआउट कम करने का रास्ता निकालने की पहल शुरू करेगा। विभाग की माने तो ड्रॉपआउट में अक्सर 5वीं से 8वीं के बाद के छात्र के नाम शामिल है। बिहार में कोरोना के मिले 400 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 493 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 256,419 पर पहुंच गई है। वहीं टॉप 3 जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 233 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही रोहतास में 19 तो वहीं बेगूसराय, गोपालगंज और वैशाली में 17 मामले सामने आए हैं। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया हुई आसान। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया अब और ज्यादा आसान हो गई है। अब तक उम्मीदवारों को परिवहन कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे, जिसे निजात दिलवाने के लिए ही परिवहन मंत्रालय ने वाहन अधिनियम में संशोधन कर कागजात के नाम पर सिर्फ आधार कार्ड को आवश्यक कर दिया है। इसके साथ ही ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया भी काफी आसान हो गई है, यानी कि अब किसी को भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए भारी कागजात की जरूरत नहीं होगी। ठंड के मौसम में लोगों को होने लगा फागुन जैसी गर्मी का एहसास। भले ही जनवरी का महीना हो और लोग स्वेटर में नजर आ रहे हों, मगर मौसम का मिजाज कुछ और ही है। जनवरी के इस महीने में लोगों को अब फागुन जैसी गर्माहट महसूस होने लगी है। हालांकि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में कपाने वाले शीतलहर का एहसास लोगों को जरूर हुआ था, मगर अब मौसम का मिजाज देखकर लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा है। पश्चिमी विक्षोभ के नहीं आने के कारण बिहार से ठंड फिलहाल गायब है। मौसम बदलाव का संकेत चौड़ी पत्ती वाले पेड़ों के पत्ते के झड़ने से लगाया जा सकता है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मौसम का यह हाल अभी आने वाले दिनों में कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। यह विशेष तथ्य है कि यह विक्षोभ कश्मीर से उत्तर भारत में सिर्फ पटना तक पहुंचता है। पहले चरण के अंदर 4.5 लाख लोगों को बिहार में लगेगी वैक्सीन। बिहार में जारी ड्राई रन के बाद टीकाकरण का काम शुरू किया जाना है, जिसको लेकर तैयारी शुरू हो गई है। ताजा जारी किए गए जानकारी के अनुसार बिहार में पहले चरण के अंदर कुल मिलाकर 4.5 लाख लोगों को वैक्सीन देने का काम किया जाएगा। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों में बताया गया है कि पहले चरण में सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थानों के स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 पर निबंधन की सुविधा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में पहले चरण के अंदर 4,62,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दिया जाएगा। कोविड-19 पर टीकाकरण के लिए अब तक 4,62,026 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। बिहार में 15 से 21 तक मनाया जाएगा भूकंप सुरक्षा सप्ताह। बिहार में भूकंप सुरक्षा सप्ताह मनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस दौरान राज्य भर में अभियंताओं, राजमिस्त्रियों को जहां भूकंप रोधी भवन निर्माण की ट्रेनिंग दी जाएगी, वहीं मदरसा और संस्कृत स्कूल के शिक्षकों को मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 2-2 शिक्षकों को फोकल शिक्षक के रूप में
ट्रेनिंग दी जाएगी। कोविड 19 के संक्रमण की चर्चा करते हुए प्राधिकरण में भूकंप सुरक्षा सप्ताह आयोजन के लिए बैठक को संबोधित करते हुए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष व्यास ने उक्त बातें कही हैं, जिसके बाद बिहार में 15 से 21 जनवरी तक भूकंप सुरक्षा सप्ताह मनाने की तैयारी शुरू हो गई है। दीक्षांत समारोह में 119 डीएसपी ने ली शपथ। बिहार में 119 डीएसपी की मीटिंग पूरी हो गई है। बीते दिन बिहार के इन्हीं डीएसपी को शपथ दिलवाने के लिए राजगीर के बिहार पुलिस एकेडमी में 56 से 59वीं बैच के परीक्षमान पुलिस उपाधीक्षक का दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया था, जिसके बाद से बिहार पुलिस एकेडमी से प्रशिक्षित कुल 119 परीक्षमान पुलिस उपाधीक्षक देश जनसेवा में समर्पित हो गए हैं। इस दौरान कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए बड़ी संख्या में नए पुलिस अधिकारियों के परिजन और स्थानीय लोग भी वहां पहुंचे थे। आपको समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में डीजी बीएमपी आरएस भट्टी भी उपस्थित हुए थे। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे नीरज पांडे की। नीरज पांडे का जन्म 17 दिसंबर 1973 को बिहार के आरा जिले में हुआ था। नीरज पांडे एक भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक है। पांडे ने बुधवार फिल्म से डायरेक्टर के रूप में पदार्पण किया है, जिसे दर्शकों और आलोचकों द्वारा काफी सराहा गया है, जो बाद में कई प्रशंसाओं का पात्र भी बना था। उनकी दूसरी फिल्म स्पेशल 26 थी, जिसके बाद बेबी आई, जिसके बाद आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और एक बड़ी व्यावसायिक सफलता मिली। उन्होंने रुस्तम में एक निर्माता के रूप में भी काम किया है। 2016 में निर्देशन में लौटे पांडे ने बायोपिक ब्लॉकबस्टर फिल्म एमएस धोनी फिल्म में भी उन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी और इससे खूब सुर्खियां बटोरी थी। कई विभागों ने कोरोना काल में हुए खर्च का नहीं दिया कोई हिसाब। बिहार में कोरोना के माहौल में कई विभिन्न योजना समेत अन्य कामों में बड़ी मात्रा में पैसे खर्च किए गए थे। हालांकि अब तक कई ऐसे विभागों के नाम सामने आए हैं जिन्होंने लगभग 85,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के खर्च का कोई हिसाब नहीं दिया है। ऐसे विभागों की संख्या लगभग 9 बताई गई है। हालांकि सबसे ज्यादा 25,000 करोड़ से अधिक का बकाया पंचायती राज विभाग के पास दर्ज किया गया है। इसके अलावा पीएचईडी, शिक्षा समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग, सीएसटी कल्याण विभाग, स्वास्थ्य सहकारिता और ऊर्जा समेत अन्य विभागों में भी बड़ी संख्या में यूसी बकाया है। इसको लेकर वित्त विभाग ने सभी संबंधित विभागों को सख्त निर्देश जारी कर दिया है और मार्च तक पूरी जानकारी साझा करने की बात कही है। गर्मी में पेयजल संकट से बिहार को बचाने की शुरू हुई तैयारी। बिहार के कई जिलों में गर्मी के दिनों में संभावित पेयजल की समस्या को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है, जिसको लेकर राज्यभर के सरकारी चापाकलों का सर्वे कराने का काम शुरू किया जा रहा है, जिसके बाद सभी जिला पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को इस बाबत सर्वे करवाया जाएगा। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव ने शुक्रवार को जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में साफ आदेश दे दिया था कि खराब चापाकलों की मरम्मत समय पर करवा दिए जाए। इस काम के लिए खराब और प्रयोग में नहीं आ रहे चापाकलों की सूची उपलब्ध कराने का आदेश बीते दिन दिया गया है। राजधानी पटना समेत कई जगहों पर चिकन के दाम घटे। बर्ड फ्लू की संभावना को देखते हुए बिहार के कई जिलों में चिकन की बिक्री लगभग 40-50% तक कम हो गई है, जिसके कारण दाम भी काफी कम हो गया है। खबरों की माने तो राजधानी पटना में चिकन की कीमत में 40% की गिरावट देखी गई है। इतना ही नहीं, बर्ड फ्लू की संभावना को देखते हुए अंडों के दाम पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फटकार के बाद एक्शन मोड में आए डीजीपी। बिहार में लचर हुई कानून व्यवस्था को लेकर बिहार सरकार को खूब किरकिरी का सामना करना पड़ा है। हालांकि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इसको लेकर सतर्कता के साथ काम कर रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फटकार के साथ ही डीजीपी भी एक्शन मोड में काम करने लगे हैं। नीतीश कुमार के साथ हाल ही में हुई बैठक के बाद डीजीपी एसके सिंघल ने डीजी सेल में तैनात 23 पुलिसकर्मियों को हटा दिया है। इसमें कई डीएसपी, इंस्पेक्टर, दरोगा शामिल थे। सभी को वापस अपने जिले में योगदान का निर्देश दे दिया गया है। इनको अब मुख्यालय से हटा दिया गया है। आपको बता दें, बिहार में आए दिन कोई ना कोई अप्रिय वाक्या देखने को मिल जा रही है, जिसके कारण ही बार बार बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यहां तक कि इसे जंगल राज का नाम भी दिया जा चुका है। बिहार में कृषि उद्योग के लिए दो विभाग ले सकते हैं अनुदान। बिहार सरकार ने कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पहली बार दो विभाग को जिम्मेदारी सौंपने का फैसला लिया है, जिसके तहत कृषि उद्योग लगाने के इच्छुक उद्यमी दो अनुदान का लाभ ले सकेंगे। राज्य सरकार ने नए कृषि निवेश नीति के तहत यह व्यवस्था की है। जानकारी के अनुसार उद्यमी अगर इस नीति के तहत निवेश करना शुरू करते हैं तो पूंजीगत अनुदान उन्हें 25% तक दिया जाएगा। इसके साथ ही उद्योग विभाग से मिलने वाले सूद पर अनुदान का लाभ भी वो ले सकते हैं। हालांकि शर्त यही है कि दोनों अनुदान अलग अलग तरह के हो। हालांकि कृषि विभाग के अनुदान लेने के बाद वो दूसरी जगह से पूंजीगत अनुदान नहीं ले सकते हैं। राज्य सरकार ने कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई नई नीति में उद्यमियों को सहूलियत देने के लिए कई तरह की व्यवस्था की है।
किलकारी के नए भवन में देखने को मिलेगी मगध के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की झलक। गया के किलकारी भवन में अधिक से अधिक छात्रों को क्रिएटिव बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसके तहत जल्द ही किलकारी की नई बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी। सरकार के स्तर पर इसको लेकर हरिदास सेमिनरी कैंपस में 2.4 एकड़ जमीन मुहैया करवाने का काम किया गया है। इस जमीन से लगभग 5 करोड़ की लागत में 2 मंजिला भवन तैयार किया जाएगा। जानकारों की माने तो साल 2022 तक भवन का निर्माण पूरा हो जाएगा। बिल्डिंग को तैयार करने की जिम्मेदारी विशेषज्ञों को सौंप दी गई है। खास बात यह है कि किलकारी के इस नए भवन में मगध के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की झलक देखने को मिलने वाली है। बिहार में ट्रांसफर के लिए नियोजित शिक्षकों को करना होगा और ज्यादा इंतजार। बिहार में नियोजित शिक्षकों को स्थानांतरण के लिए अभी और ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने पहले ही नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण की बात कह दी थी, जिससे कि जिले के दूरदराज क्षेत्रों में काम कर रहे शिक्षकों को साथ ही महिलाओं शिक्षिकाओं को यह उम्मीद जागी थी कि अब उनका स्थानांतरण उनके जिले में हो सकता है। लेकिन कमेटी की तरफ से स्थानांतरण से संबंधित नियमों और परिनियमों में देरी होने से अभी तक कोई भी विभागीय आदेश जिले को नहीं दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ स्थानांतरण की जानकारी मिलने के बाद जिले के दर्जनों महिला और पुरुष शिक्षक हर रोज कार्यालय के चक्कर भी लगा रहे थे। मंत्रिमंडल विस्तार पर नीतीश के बयान पर भाजपा ने दिया रिएक्शन। मंत्रिमंडल के विस्तार के संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना दुख प्रकट किया था, जिसको लेकर नीतीश कुमार ने साफ कहा था कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि सरकार गठन के इतने दिनों बाद भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया गया हो, जिस पर अब भाजपा ने भी अपना बयान दिया है, जिसके तहत भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव सहित वरिष्ठ नेता ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री ने जो चिंता जताई है उसका समाधान जरूर निकाला जाए। इसके साथ ही इस पूरे मामले में तेजस्वी ने भी बयान किया है, जिसके तहत तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार में मध्यावधि चुनाव की संभावना जताई है। भारत के दिग्गज नेता प्रशिक्षण शिविर में हुए शामिल। भाजपा के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ बीते दिन हो चुका है। वहीं शिविर का उद्घाटन भाजपा बिहार के प्रभारी भूपेन्द्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने संयुक्त रूप से किया। इस शिविर में प्रदेश के सभी जिलाध्यक्षों के अलावा पदाधिकारी भी शामिल थे। आपको बता दें कि 2 दिनों तक इन सभी को प्रशिक्षण देने का काम किया जाना है और केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी जाएगी। इसके बाद ही सभी पदाधिकारी अपने अपने इलाके में जाकर भाजपा के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम करेंगे। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। भारतीय चाय 1839 में इंग्लैंड आज ही के दिन पहुंची थी। भारत सरकार ने 1963 में स्वर्ण नियंत्रण योजना की शुरुआत आज ही के दिन की थी, जिसके तहत 14 कैरेट से अधिक के गहनों पर पाबंदी लगा दी गई थी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2006 से 10 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा आज ही के दिन की थी। कार निर्माण की अग्रणी ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स ने 1,00,000 रुपए वाली कार नैनो को 2008 में आज ही के दिन पेश किया था। 1940 में भारतीय पार्श्व गायक और शास्त्रीय संगीतकार के जे येसुदास का जन्म आज के दिन हुआ था। 1949 में फिल्म निर्माता अल्लू अरविंद का जन्म आज के दिन हुआ था। 1974 में भारतीय अभिनेता ऋतिक रोशन का जन्म आज के दिन हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री नाडिया ने 1996 में आज के दिन दुनिया को अलविदा कहा था। ऋषभ पंत के बाद अब जडेजा भी हुए टेस्ट से बाहर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैच की सीरीज का 3रा मैच खेला जा रहा है। वहीं इसी बीच खिलाड़ियों के चोटिल होने की काफी खबरें सामने आई हैं, जिसके तहत कुछ दिनों पहले ही ऋषभ पंत को लेकर बयान जारी किया गया था। वहीं अब जडेजा के भी चोटिल होने की खबर सामने आई है। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के चोटिल होने के बाद अब रविन्द्र जडेजा को भी बाएं हाथ के अंगूठे में बल्लेबाजी के दौरान चोट लगी थी, जिसके बाद उन्हें स्कैन के लिए भेज दिया गया था, जिसको लेकर बीसीसीआई ने अपने ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी थी। वहीं अब दोनों ही खिलाड़ियों को चोटिल होने के कारण बाहर कर दिया गया है, जिसके बाद आने वाले मैच में ये दोनों खिलाड़ी मैदान में नजर नहीं आएंगे। पंजाब के महिला किसान ने कंगना के खिलाफ दर्ज कराया मानहानि। अभिनेत्री कंगना रनौत की परेशानी बढ़ने वाली है। किसान आंदोलन में शामिल होने वाली पंजाब की महिंदर कौर ने अभिनेत्री कंगना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। ये वही महिला है जिन्हें कंगना ने ट्विटर पर शाहीनबाग की दादी बिल्किस बानो बता दिया था। वहीं अब इसी को लेकर महिंदर कौर ने कंगना रनौत पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया है। इसकी सुनवाई 11 जनवरी को की जाएगी। फेसबुक जल्द लेकर आएगा खुफिया कैमरा वाले स्मार्ट इंटरनेट ग्लासेस। फेसबुक पर काफी समय से सवाल उठाए जा रहे थे, हालांकि अब फेसबुक एक नया डिवाइस लाने जा रहा है, जिसके बाद अब फेसबुक जासूसी कैमरे वाले स्मार्ट इंटरनेट ग्लासेस लॉन्च करने की तैयारी में है। ये वेब कनेक्टेड चश्मे होंगे। स्मार्ट ग्लासेस को पहले भी टीज किया जा चुका है, लेकिन
इनको लेकर अभी रहस्य बना हुआ है। हालांकि फेसबुक ने अपने इन स्मार्ट चश्मों को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। इनके काम को लेकर भी अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया गया है। हालांकि कंपनी ने कहा है कि चश्मे के रेगुलर विजन में आपको ऊपर से कंप्यूटर जनरेटेड इमेज नहीं दिखाई देगी। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 9 जनवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,460 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,460 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 63,900 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 86.76 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 79.10 रुपए प्रति लीटर था। पटना को NH-30 से जोड़ने वाली सड़कों का जल्द होगा निर्माण। राजधानी पटना को NH-30 से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर जल्द ही दो सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप अब न्यू बाईपास में बेउर मोड़ से हसनपुरा गांव होते हुए पुनपुन बांध तक नई सड़क बनेगी। इसके अलावा कंकड़बाग में साई नेत्रालय से न्यू बाईपास तक सड़क का निर्माण भी होगा। इतना ही नहीं, कंकड़बाग से साई नेत्रालय से न्यू बाईपास तक सड़क के निर्माण का काम करवाया जाएगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अनिल सिंह, पंकज कुमार, दिलीप कुमार यादव, सतीश राज, बंधु झा, मोहम्मद करीम, श्वेता रॉय, ललित कुमार यादव, मंडा यादव, शिव शक्ति राम, बबीता यादव, रविंद्र पासवान, मुन्ना कुमार यादव, विशाल पाल, नंदिनी कुमारी, पिंटू यादव, श्याम कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार अब तक बिहार की किस अभिनेत्री ने बिहार का नाम सबसे ज्यादा रोशन किया है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।